Good morning, students. Today we will start chapter number 18 Reflection and Rotational Symmetry. In this chapter, we will learn the two types of symmetry, and that is reflection and rotational. इन द प्रीवियस क्लास वी हैव लर्न द रिफ्लेक्शन सिमेट्री ओनली बट इन दिस क्लास वी विल लर्न द बोथ टाइफ रिफ्लेक्शन एंड द रोटेशनल सिमिट्री सो फर्स्ट ऑफ ऑल वॉट इज सिमेट्री वॉट इज सिमेट्रिकल फिगर अ फिगर इज सेट टू बी सिमेट्रिकल अबाउट अ लाइन एल इफ इट इज आइडेंटिकल ऑन आईदर साइड ऑफ एल कोई भी फिगर है तो वो किसी लाइन की अबाउट सिमेट्रिकल तब कहलाता है जब दोनों साइड की जो इमेज बन रही है वो इक्वल आ रही हो जैसे ये आपकी एक लाइन ड्रॉ है ए बी और इस पे हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया यह पी क्यू तो पी क्यू जो है ये लाइन ऑफ सिमेट्री कहलाएगी क्यों क्योंकि के इस साइड ए जो आ रहा है वो भी इक्वल है और ओबी जो आ रहा है वो भी इक्वल है नहीं दोनों सेम आ रहे हैं आइडेंटिकल आ रहे हैं तो जब किसी लाइन के अबाउट कोई फिगर आइडेंटिकल आती है दोनों ही साइड तो वो लाइन क्या कहलाती है लाइन ऑफ सिमेट्री और वो फिगर क्या कहलाता है सिमेट्रिकल फिगर सो इन दिस चैप्टर वी विल लर्न द रोटेशनल सिमेट्री ऑल्सो बट फास्टली वी विल सॉल्व द रिफ्लेक्शन सीमेट्री एग्जाम्पल्स सो रिफ्लेक्शन सिमेट्री किस किस में होती है एक तो आपकी लाइन के अलॉन्ग दूसरा आपका एंगल जब आप एंगल बाईसिक्ट करते हो तो वो भी सिमेट्रिकल फिगर होती है इसके अलावा आपका जो ट्राइंगल होता है इक्ुलेट्रल ट्राइंगल जो होता है वो भी सीमेट्रिकल फिगर होता है एंड द काइट काइट इज़ ऑल्सो सिमेट्रिकल अबाउट इज़ द लॉन्गेस्ट डायगोनल काइट जो फिगर है वो भी सिमेट्रिकल है अपने लॉन्गेस्ट डायगोनल के अबाउट लॉन्गेस्ट डायगोनल यही तो आएगा ए सी और एक डायगोनल ये आएगा बी डी बट इसके अबाउट नहीं इसके अबाउट ये सिमेट्रिकल है क्योंकि इधर साइड जो फिगर बन रही है वो भी सेम है और इधर साइड जो बन रही है वो भी सेम यानी दोनों ही साइड की फिगर आइडेंटिकल है तो काइट भी अपने लॉन्गेस्ट डायगोनल के अबाउट सिमेट्रिकल होती है इसके अलावा आता है सेमी सर्कल सेमी सर्किल यानी हाफ सर्किल तो हाफ सर्किल भी आपका सिमेट्रिकल होता है इसमें सिर्फ वन लाइन सिमेट्री होती है एक लाइन सिमेट्री होती है और वो आपकी डायमीटर को बाइसेक्ट करती है इसका डायमीटर है और इससे बाइसेक्ट कर रही है तो सेमी सर्किल भी सिमेट्रिकल है इसके बाद रेक्टेंगल तो रेक्टेंगल टू लाइंस ऑफ सिमेट्री रेक्टेंगल में कितनी लाइंस होती है सिमेट्री की टू लाइंस या तो हॉरिजेंटल वाली या वर्टिकल वाली और ये लाइंस जाती कैसे हैं जो रेक्टेंगल की साइड्स होती हैं इनके मिड पॉइंट से जाती हैं तो रेक्टेंगल में टू लाइंस होती हैं सिमेट्री की इसके अलावा आपका आता है देन रोमबस रोम्बस भी सिमेट्रिकल होता है बट कब अपने डायगोनल्स के अलोंग सिमेट्रिकल होता है फिर आता है स्क्वायर स्क्वायर इज सिमेट्रिकल अबाउट फोर लाइंस इसकी जो फोर लाइंस जाती हैं पहली तो ये जो इसकी लाइंस से मिड पॉइंट जा रहे हैं वो और इसके साथ साथ जो इसके दो डायगोनल हैं वो तो स्क्वायर जो सिमेट्रिकल है वो फोर लाइंस के अलाग है यानी स्क्वायर की जो सिमेट्री रिफ्लेक्शन सिमेट्री है वो फोर लाइन सिमेट्री है फिर ट्राइंगल अभी मैंने आपको बताया था इक्वलेटरल ट्राइंगल ये अपनी तीनों ही साइड्स के अलॉन्ग सिमेट्रिकल होगा और सर्कल सर्किल जो कंप्लीट सर्किल है अभी हमने सेमी सर्किल बताया था जो कंप्लीट सर्किल होता है इसमें इनफाइनाइट सिमेट्रिकल लाइंस होती है यानी अनंत आप इनको नहीं गिन सकते बट क्या सारी की सारी सेंटर से होकर जाती हैं ठीक है यहां पर दिया भी है अ सर्किल इज सिमेट्रिकल अबाउट ईच वन ऑफ इट्स डायमीटर डायमीटर से होने वाली जितनी भी लाइंस जाएंगी उनके अलोंग सर्किल जो होगा वो सिमेट्रिकल होगा यहाँ तो इन्होंने सिर्फ और सिर्फ फोर लाइंस ड्रॉ किए आप और कर सकते हो तो सिमेट्रिक जो आपका सर्किल है वो हर सेंटर से जाने वाली, डायमीटर से जाने वाली सेंटर से जाने वाली हर लाइन के सिमेट्रिकल होगा अब हमने यहाँ कुछ डेफिनेशंस लिखी हैं रिफ्लेक्शन सिमेट्री अ फिगर इज सेट टू बी सिमेट्रिकल अबाउट अ लाइन एल इफ इट इज आइडेंटिकल ऑन आइदर साइड ऑफ एल इन दिस केस एल इज कॉल्ड द लाइन ऑफ और एक्सेज ऑफ सिमेट्री जो मैंने आपको बताया था कि कोई भी फिगर तब सिमेट्रिकल कहलाएगा जब उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री के दोनों साइड बनने वाला फिगर इक्वल होगा जैसे रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल में टू लाइन सिमेट्री होती है या तो आप ये ड्रॉ करो आप इसके अलाग देखोगे तो ये साइड और ये साइड इक्वल आ रही है या फिर आप ये वाली लाइन देखो तो ये और ये इक्वल आ रही है तो ये और ये क्या कहलाएंगे लाइन ऑफ सिमेट्री तो रेक्टेंगल में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है टू इसी तरीके से आई स्क्वायर हैज फोर लाइंस ऑफ सिमेट्री स्क्वायर में फोर लाइन सिमेट्री होती हैं और ये कहां-कहां से जाती हैं एक तो जो स्क्वायर की साइड्स दे रखी हैं उनके मिड पॉइंट से स्क्वायर की साइड हैं इनके मिड पॉइंट से होकर जा रही हैं और दूसरा स्क्वायर के डायगोनल से तो अगर आपसे कोई कहता है कि स्क्वायर में लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कीजिए तो हम इस तरीके से ड्रॉ करेंगे स्क्वायर में लाइन ऑफ सिमेट्री ये आपका एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकता है हमने आपको एक स्क्वायर बना के दे दिया और लिख दिया ड्रॉ द लाइंस ऑफ सिमेट्री तो आपको पता होना चाहिए कि स्क्वायर में फोर लाइन सिमिट्री बनती हैं दो तो उनकी साइड के मिड पॉइंट्स वाली और दो उनकी डायगोनल के अलॉन्ग वाली इसी तरीके से ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री इन द रेक्टेंगल रेक्टेंगल में लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कीजिए तो यह आपको पता होना चाहिए कि रेक्टेंगल अंगुल में लाइन ऑफ सिमेट्री दो होती हैं अब आते हैं हम रोटेशनल सिमेट्री पे रोटेशनल सिमेट्री क्या होती है अ फिगर इज सेट टू बी रोटेशनल सिमेट्री इफ इट फिट्स ऑन टू इटसेल्फ मोर देन वंस ड्यूरिंग अ कंप्लीट रोटेशन कोई भी फिगर तब रोटेशनल सिमेट्रिकल कहलाता है जब वो एक कंप्लीट रोटेशन में कम से कम एक बार पूरा अपने फिगर पर फिट बैठ जाए द नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ फिगर फिट्स ऑन टू इट सेल्फ इन वन कम्प्लीट रोटेशन इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ द रोटेशन सिमेट्री जितनी बार वो फिगर फिट बैठेगा अपने कम्प्लीट रोटेशन में वही नंबर क्या कहलाता है ऑर्डर ऑफ रोटेशनल ऑफ सिमेट्री ऐसे नहीं समझे होंगे आप एग्जाम्पल देखिए एन इक्वलेटरल ट्राइंगल ए बी सी रोटेट थ्रू वन ट्वेंटी डिग्री टू फोर्टी डिग्री थ्री सिक्सटी डिग्री टू अटेन द पोजिशन शोन इन द फिगर बिलो रिस्पेक्टिवली जैसे हमने एक इक्विटर ट्राइंगल बना लिया ठीक है सपोज कीजिए हमने एक इक्वलेटर ट्राइंगल बना लिया आप लोगों के जोमेट्री बॉक्स में भी ट्राइंगल कट्स होते हैं वो हमने बना लिया अब हमने क्या किया इस इक्वलेटर ट्राइंगल को अभी यहाँ पर हमारा जो सी पॉइंट है वो ये है ठीक है अब हमने क्या किया पहले इस इक्वलेटर ट्राइंगल को यानी कि यहाँ पे जो आपका सी 60 डिग्री बन रहा था हमने इसको वन डिग्री के अलॉन्ग रोटेट कर दिया तो जब आप इसको वन डिग्री के अलॉन्ग रोटेट करोगे तो ये जो सी यहाँ पर है आपका इस तरीके से जब आप उसे रोटेट करोगे तो ये ट्रायंगल फिट होके यहाँ आएगा फिर यहाँ आएगा तो ये जो सी पॉइंट यहाँ था वो यहाँ पर आ गया ये 120 डिग्री के अलाग रोटेशन किया अभी क्या किया 240 डिग्री के अलाग कर दिया तो यही सी पॉइंट इसी सी को देखिए आप यही सी पॉइंट आपका यहाँ था अब आपने इसको 240 डिग्री के अलाग रोटेट किया तो एक बार यहाँ आएगा सी फिर एक बार यहाँ आ जाएगा सी तो वो ये यह सी यहाँ पर आ गया यानी ये दो बार फिट हो गया इसके बाद इसी सी को हमने थ्री डिग्री पर यानी पूरा कंप्लीट रोटेशन कर दिया तो पूरा कंप्लीट रोटेशन कर दिया तो ये जो यहाँ था वो यहाँ से आके यहाँ पर आ गया यानी ये थ्री डिग्री के अलॉन्ग रोटेशन गया तो इसल ट्राइंगल को कंप्लीट रोटेशन किया कंप्लीट रोटेशन हमेशा 360 डिग्री पर ही होगा तो जब आपने कंप्लीट रोटेशन किया तो ये कितनी बार अपने ये ओरिजिनल फिगर थी तो ये कितनी बार अपने फिगर में फिट हुआ है वन टाइम टू टाइम थ्री टाइम यानी तीन बार ऐसा फिगर बना है रोटेट करने पे कि जो हमारे ओरिजिनल फिगर की तरह था जैसे ये ट्रायंगल हमने बनाया तो हमने जब इसे 120 ट्वेंटी भी रोटेट किया तब भी ये वही सेम ट्रायंगल बना देखो पॉइंट्स चेंज हो गए हैं बस जो सी यहाँ था वो सी यहाँ पहुंच गया लेकिन फिगर तो वही है क्योंकि एकुलेटर ट्राएंगल है तो साइड्स जो हैं वो तीनों ही इक्वल होंगी बस हमारे जो सेंटर पॉइंट है वो चेंज हो गए हैं तो जब हमने इसे वन वन डिग्री पर रोटेट किया तब भी फिगर वही रहा देखो अगर आप इसको इसकी ओरिजिनल फिगर में फिट करना चाहो तो तो ये एज़ इट इज़ फिट हो जाएगा लेकिन इसके ये नंबर्स चेंज हो चुके हैं तो एक बार फिट हुआ जब आपने 240 डिग्री पे करेंगे तो ये एक और फिर से इक्विलट्रल ट्रायंगल पे ये इस पर फिट करना चाहो तो ये एक्जैक्टली exactly फिट हो जाएगा टू टाइम्स फिट हुआ जब हमने कंप्लीट रोटेशन किया 360 डिग्री का तब भी ये इक्वलेटरल ट्रायंगल इस पर फिट हो जाएगा तो थ्री टाइम्स फिट हुआ यानी इक्वलेटरल ट्राइंगल जो है वो अपने कंप्लीट रोटेशन में थ्री टाइम्स फिट होता है कितने टाइम्स फिट होता है थ्री टाइम्स तो जो फिटिंग का ऑर्डर है जो नंबर है जितने भी टाइम कोई फिगर फिट हो अपनी और ओरिजिनल पोजिशन में वही ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमिट्री कहलाता है तो इकोलेट्रल ट्र का ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमिट्री क्या होगा थ्री होगा तो यहाँ पे लिखा है ईच ऑफ द टाइम द फिगर फिट्स ऑन दिट्स इट हैज अ रोटेशनल सिमिट्री ऑफ ऑर्डर थ्री देखो तीन तीन फिगर बने और तीनों सेम वैसे ही बने कंप्लीट रोटेशन लेते हैं और कंप्लीट रोटेशन थ्री सिक्सटी डिग्री तक ही चलता है तो कंप्लीट रोटेशन में ये फिगर तीन बार अपने ओरिजिनल फिगर पे फिट होने

कोई नहीं होती क्यों नहीं होती क्योंकि स्कैलेंट ट्राइंगल की पहली बात तो साइड्स इक्वल नहीं होती है थ्री साइड्स आर डिफरेंट तीनों की तीनों अलग होती हैं तो जब वो अलग अलग होती हैं तो उनमें कोई लाइन नहीं होती सिमेट्री की तो स्कैलेंट ट्राइंगल नो सिमेट्री इसके बाद आपसे पूछा गया अरे रेक्टेंगल इज सिमेट्रिकल अबाउट रेक्टेंगल सिमेट्रिकल कैसे होता है तो रेक्टेंगल देखो हमने सपोज कीजिए एक रेक्टेंगल बना लिया ये रहा आपका ए बी सी और डी तो ये सिमिट्रिकल किसके अबाउट होता है ये जो इसकी साइड्स होती हैं इनका जो मिड पॉइंट होता है यहीं से तो लाइन जाती है सिमेट्री की ऐसे ये इसकी साइड है इसका जो मिड पॉइंट है ये ऐसे ये साइड इसका मिड पॉइंट आ गया आई ये फिर ये वाली साइड इसका मिड पॉइंट आ गया आई ये तो सिमेट्री लाइन यहीं से तो जा रही है इनके मिड पॉइंट से तो आपका जो रेक्टेंगल है वो सिमिट्रिकल कैसे होता है अ लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ इट्स अपोजिट साइड्स अ साइड ज्वाइनिंग मिड पॉइंट्स ये मिड पॉइंट ऑफ इस अपोजिट साइड इसके अपोजिट ये इसका मिड पॉइंट ये इसका मिड पॉइंट है इन दोनों को ज्वाइन कर दो ऐसे ही इसके अपोजिट ये इसका मिड पॉइंट ये इसका मिड पॉइंट है इन दोनों को ज्वाइन तो इसकी जो सिमिट्रिकल लाइन बनती हैं वो कैसे बनती हैं अ लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ इट्स अपोजिट साइड्स अब अ स्क्वायर हैज स्क्वायर में कितनी लाइन सिमिट्री होती है तो अभी अभी हमने आपको बताया था स्क्वायर में फोर लाइन सिमेट्री होती है हमने एक स्क्वायर बना लिया मान लो तो इसमें फोर लाइन सिमेट्री होगी एक तो इसके मिड से होकर जाएगी दोनों साइड से वो और एक इसके डायगोनल से होकर जाती है वो ये हम डॉटेड बनाते हैं मैंने यहाँ पेन से बनाया इसलिए इस तरीके से बना दिया तो स्क्वायर में कितने लाइन सिमेट्री होती है फोर लाइन सिमेट्री इसलिए ये ऑप्शन हो गया अब कहा जा रहा है और रोम्बस इज सिमेट्रिकल अबाउट रोम्बस कैसे होता है तो रोम्बस इसकी जो लाइन जो लाइनिंग होती है मिड लाइन्स यानी कि डायगोनल्स उनके अलोंग रोमबस जो होता है वो सिमेट्रिकल होता है तो रोमबस हमने ड्रॉ कर लिया थोड़ा सा गलत हो गया ये क्योंकि हम पेन से कर रहे हैं इस तरीके से ये ये है आपका रोम्बस तो ये किसके अलोंग होता है अपने डायगोनल के अलांग या तो ये वाला डायगोनल या फिर ये वाला डायगोनल इनके अलॉन्ग ये सिमेट्रिकल होता है तो दोनों डायगोनल के अलाग ये सिमेट्रिकल होता है इसके बाद आ सर्किल है बताया था मैंने आपको इनफाइनाइट इनफाइनाइट कह दीजिए या अनलिमिटेड कह दीजिए बात एक है की है। तो सर्किल के पास कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है एंड अनलिमिटेड नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री सर्किल की कितनी होती है इनफाइनाइट भी कह सकते हैं और अनलिमिटेड भी कह सकते हैं अब आपको एक क्वेश्चन दिया गया अ ट्राइंगल ए बी सी एक ट्राइंगल है ए बी सी ए बी बराबर बी सी इस ट्राइंगल में ए बी बराबर ए सी दिया मान लो हमारा ये ए बी है ये ए है और ये बी है और इन्होंने कहा ए बी बराबर ए सी हमारा ये सी आ गया ए बी बराबर ए सी आ गया फिर कहा इन्होंने ए डी इज़ द परपेंडिकुलर ऑन बी सी ए डी जो है वो बी सी परपेंडिकुलर पहले तो बी सी बना लेंगे ये रही ये रही अब इन्होंने कहा कि ए डी इज परपेंडिकुलर ऑन बी सी ए डी जो है वो बी सी परपेंडिकुलर ये लाइन बी सी है पॉइंट ए तो ए से जो परपेंडिकुलर आएगा वो ये आ गया ये हो गया ए डी इसके बाद कहा बी ई इज़ परपेंडिकुलर टू ए सी तो ए सी लाइन ये है बी ये है तो इस पे जो परपेंडिकुलर आया वो आ गया ये बी ई e. इसके बाद कहा सी एफ़ इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी तो ए बी लाइन ये है और सी ए एफ़ नहीं है यानी कि यहाँ से ये परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ किया तो ये हो गया सी एफ ये सीधा ड्रॉ होगा ठीक है ये हो गया अब इन्होंने कहा देन ट्राइंगल ए बी सी इज सिमेट्रिकल अबाउट अब ये जो ट्राइंगल बना है ये किसके अबाउट सिमेट्रिकल है तो बताओ किसके अबाउट सिमेट्रिकल है हमने ये थ्री लाइन्स इसमें ड्रॉ की हैं अगर हम ये वाली लाइन देखें सी एफ तो सी एफ के अलाग इक्वल है क्या ये वाली जो फिगर बन रही है ये वाली जो फिगर बन रही है ये ये और ये क्या इसके इक्वल आ रही है इसके जैसी आ रही है नहीं आ रही है यानी कि ये सी एफ के अलोंग सिमेट्रिकल नहीं है अच्छा इस वाली लाइन के अलाग देख लेते हैं तो इस वाली लाइन के अलाग ये फिगर बन रही है क्या ये इसके इक्वल आ रही नहीं आ रही देखो ये छोटा बन रहा है ये बड़ा बन रहा है ये भी नहीं लेकिन ये वाली आ रही है अगर इस लाइन के अलोंग आप देखो ये सब भूल जाओ अगर इस तो ये जितना इधर आ रहा उतना ही इधर भी आ रहा है जैसे राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ बन रहा है ऐसे ही राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ भी बन रहा है यानी ये ए डी के अलोंग सिमेट्रिकल है किसके अलोंग सिमेट्रिकल है ये ए डी के अलोंग है फिर काइट आ गया एक काइट बना दी है इन्होंने ए बी सी डी और आपको हमेशा पता होना चाहिए कि काइट में कोई भी कंडीशन हो अगर सिमेट्री पूछा जा रहा है तो काइट अपने हाई लॉन्गेस्ट डायगोनल के अलोंग सिमेट्रिकल होती है अब इसमें लॉन्गेस्ट डायगोनल कौन सा बनेगा एक तो बी डी बनेगा लेकिन ये छोटा बनेगा और एक बनेगा ए सी तो कौन सा डायगोनल लॉन्गेस्ट होगा ऑब्वियसली ए सी वाला तो काइट हमेशा अपने लॉन्गेस्ट डायगोनल के अलाग सिमेट्रिकल होती है इसलिए काइट किसके अलॉन्ग सीमेट्रिकल होगी ए सी के अलोंग क्वेश्चन देखिए द लेटर ओ ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट हैज इंग्लिश अल्फाबेट का जो लेटर ओ है उसमें कितनी लाइन सिमेट्री होती हैं ये ओ और सर्कल में जरा डिफरेंस रखिएगा कैसे डिफरेंस है ये भी बता दूँ मैं आपको सर्किल में सेंटर होता है डायमीटर होता है ठीक है लेकिन ओ में ऐसा कुछ नेसेसरी नहीं है कि डायमीटर होगा या सेंटर होगा होगा भी तो इक्वल होगा ऐसा कुछ कंडीशन नहीं है तो जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट का लेटर है हमारा कुछ इस तरीके से बनता है हम लोग इस तरीके से कुछ जीरो शेप में बनाते हैं थोड़ा सा हल्का सा ओवल होता है कंप्लीट वो नहीं होता वो हल्का सा ओवल होता है तो उसमें हमारी कितनी लाइन सीमेट्री होंगी टू लाइन्स की होंगी तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट का जो आपका लेटर है वो उसमें टू लाइन सीमेट्री होती है अब आपसे पूछा गया कि जेड जो इंग्लिश अल्फाबेट है जेड इसमें कितने लाइन की सिमेट्री होती है तो इसमें सिमेट्री ज़रा ड्रॉ करके देखना दो ही तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं या तो हॉरीजेंटल अगर हॉरीजेंटल ड्रॉ कर रहे हैं तो क्या ये आइडेंटिकल आ रही है नहीं आ रही है क्योंकि ये इधर फेस कर रहा है ये इधर फेस कर रहा है तो आइडेंटिकल नहीं आ रही है अगर वर्टिकल ड्रॉ करके देखें तो क्या ये वर्टिकल आ रही है नहीं आ रही है क्योंकि इसका ट्राइ एंगल इधर बन रहा है इसका एंगल इधर बन रहा है तब भी नहीं यानी कि Z में कोई भी सिमेट्री लाइन नहीं होगी तो नो लाइन ऑफ सिमेट्री इसके बाद आपको क्या करना है नीचे फिगर दी गई है और इनमें सिमेट्री लाइन ड्रॉ करनी है तो देखो मैंने ड्रॉ करके दिखाई है यहाँ पर क्वार्टर सर्कल दिया है सर्कल का वन फोर्थ पार्ट दिया है सेंटर से होके जा रही है इसी तरीके से एक एरो टाइप दिया है इसमें भी यहाँ से जा रही है दोनों पार्ट्स को इक्वल डिवाइड कर रही है ये एक एरो है इन दोनों को इक्वल कर रही है एक प्लस का साइन है इसमें दो सिमेट्री लाइन है एक इसके अलांग और एक इसके अलांग तो सिमेट्री लाइन हमेशा ऐसी ड्रॉ की जाती है कि फिगर टू इक्वली पार्ट्स में डिवाइडेड हो जाए इसके बाद हमें ट्रू फॉल्स दिए गए हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच ऑफ आर द फॉल्स पैरलेलोग्राम हैज़ नो लाइन ऑफ सिमेट्री ट्रू पैरेलोग्राम में कोई भी सिमेट्री लाइन नहीं होती है अब पहले तो आपको पैरलेलोग्राम पता होना चाहिए तो सर्च करना कि पैरेलोग्राम क्या होती है पैरले बनाना पहले और फिर उस पर लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रा ड्रॉ करके देखना क्या ड्रा हो पाएंगी या नहीं ठीक है इसके बाद कहा एन एंगल विद इक्वल आर्म्स हैज़ इट्स बाइसेक्टर एज द लाइन ऑफ सिमिट्री येस ये तो हमने स्टार्टिंग में ही बताया था कि कोई भी जो एंगल है ये देखो यहाँ पर दिख रहा है कोई भी जो एंगल है इसका जो बाइसेक्टर होता है इसकी जो अदर आर्म्स है इनके सिमेट्रिकल होता है तो ये ट्रू है इसके बाद एन इक्यूलेट्रल ट्राइंगल हैज थ्री लाइंस ऑफ सिमेट्री ये भी ट्रू है ये हमने आपको पहले बताया था कि इक्विलेटर ट्राइंगल जो होता है उसमें तीन लाइन्स होती हैं सिमेट्री की फिर कहा है आपसे अ रोम्बस हैज़ फोर लाइन्स होती हैं नहीं रोम्बस हमेशा डायगोनल के अलोंग सिमेट्रिकल होता है और डायगोनल सिर्फ दो होते हैं इसलिए रोम्बस में टू लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती हैं तो ये गलत हो गया स्क्वायर हैज फोर लाइन्स ऑफ सिमेट्री ये ड्रॉ करके दिखाया था दो मिड पॉइंट्स की और दो डायगोनल की ये इस तरीके से हमने ड्रॉ करके दिखाया था आपको ये देखिए ये फोर लाइन सिमेट्री बन रही है दो डायगोनल वाली और दो मिड पॉइंट की तो ये ट्रू हो गया रेक्टेंगल हैज टू लाइन ऑफ सिमेट्री रेक्टेंगल में टू लाइन्स बहुत सिमेट्री होती है येस yes, ये बनाए रेक्टेंगल टू लाइन्स बनी सिमेट्री की तो ये ट्रू हो गया ईच वन ऑफ द लेटर एच आई ओ एक्स ऑफ द इंग्लिश अल्फावेट हैज़ टू लाइन ऑफ सिमेट्री क्या इन सारे लेटर्स में टू लाइन सिमेट्री होती है तो आप ड्रा करके देखेंगे हाँ दोनों में ही सारे जितने लेटर्स हैं सब में दो दो लाइन होती है। ओ की तो हमने करके दिखाई थी आई की एच की और एक्स की आप करके देखना सब में टू लाइन आएंगी सिमेट्री की एक वर्टिकल एक हॉरिजेंटल ठीक है तो इस तरीके से हम ये सिमेट्री के क्वेश्चंस करेंगे